बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके न्यू वर्क वीज़ा वालों के लिए जो न्यू वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं। चाहे आप लोगों का वीज़ा है, चाहे आप लोग अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, चाहे आप लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है उसे रिस्टेप करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि जो लोग भी फ्रॉड्स के हवाले से परेशान बैठे होते हैं उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँच जाए। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि सऊदी एम्बेसीज की जानिब से ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप लोग उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं तो आप लोग का वीज़ा लग सकता है। पहले नंबर पर तो आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हों, या तो आप लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोजेज मंजूर शुदा वैक्सीन में से लगवाई हो, या फिर अगर आप लोगों ने चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो आप लोग अगर बूस्टर डोज लगवाते हैं तब भी आप लोग सऊदी अरब के लिए सफर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट। ऐसी मजीद अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।